भारतीय तैयारी गिराने पर फखर, अहलियान लाहौर, पाक फौज के शाना बशाना। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा की बड़ी रैली, भारत के खिलाफ नारेबाजी। रेलवे पर प्रेम यूनियन के जेर एहतमाम, भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। मजदूरों ने मोदी का पुतला नजर आतिश कर दिया। अंजुमन ताजरान की भी शालमी में रैली। पाक भारत कशीदगी, वज़ीर आज़म इमरान खान का कल लाहौर का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म पंजाब काबीना के इजलास से खिताब करेंगे, अहम फैसले किए जाने का इम्कान। पाक भारत कशीदगी फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। लाहौर आने और जाने वाली गैर मुल्की और मुल्की परवाजें मनसूख। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कल सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। समझौता एक्सप्रेस की रवानगी भी मनसूख। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात, वीजे की मुद्दत खत्म, पैसे भी खत्म हो गए। भारतीय मुसाफिरों के इंतजामिया से फौरी तौर पर वापस भेजने की अपील। भारत में पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान जंग नहीं अम चाहता है। पाक फौज के मुल्क का भरपूर दिफा करने पर खुशी है। साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ की कोटलखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत को दहशतगर्दी का जवाब दे दिया। कल मोदी का जंगी बुखार उतर गया। सियासत होती रहेगी, हमें अपनी सरहदों पर तवज्जो देने की जरूरत है। लीगी रहनुमा आसिफ करमानी की मीडिया से गुफ्तगू। अंदरूनी इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। अस्करी तौर पर जंग जीत चुके हैं, अब सिफारती महाज का इम्तिहान है। पाकिस्तान को महफूज बनाने वाला नवाज शरीफ जेल में बंद है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी और अमीर मुकाम की गुफ्तगू। भारत को दिन में तारे दिखा दिए। वुकला बिरादरी भी फौज के शाना बशाना। सुप्रीम कोर्ट बार में भारतीय जारहियत के खिलाफ हंगामी इजलास। दरअंदाजी की शदीद मजम्मत, भारत को समझ आ गई कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वुकला रहनुमा, मोदी के पागलपन का कोई पता नहीं, हम जंग नहीं चाहते, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, सर्विसेज अस्पताल का दौरा, ब्लड बैंक में खून की मौजूदगी का भी जायजा। इमरजेंसी वार्ड में इमरजेंसी में इजाफी 50 बेड्स लगा दिए। जौहर टाउन के घर में आतिशजदगी, 9 माह के बच्चे और खातून जाबहक, 6 अफराद झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कमरे में गैस भरने से धमाका हुआ जिससे आग लग गई, मालिक मकान। आमदन से जायद असासे अलीम खान के खिलाफ नैब की तहकीकात जारी। नैब ने पंजाब पुलिस से मदद मांग ली। अलीम खान के खिलाफ बयान के लिए CCPO के जरिए 28 अफराद को तलबीनामा भिजवा दिया। छह रोज बाद शहर में सफाई ऑपरेशन शुरू। जगह जगह कूड़े के ढेर, सफाई कंपनी के लिए चैलेंज, तआफ़ुन फैलने लगा। LWMC का जुमे तक शहर को जीरो वेस्ट करने का अज़्म। तुर्क कंट्रैक्टर से मामला तय पा गए। MD LWMC खालिद नजीर बट्टू। और पंजाब की जेलों में एड्स में मुबतला 217 कैदियों का इंकशाफ। 187 कैदियों का इलाज, जबकि 30 के मर्ज के तशखीस का अमल जारी। महकमा जेल खाना जात की पंजाब असेंबली में रिपोर्ट पेश।